हेलो फ्रेंड, आज हम दिखाएंगे गांव का अपने बाहरी दृश्य, और वो भी जहां पर अपना फुल टाइम पास होता है, मस्ती होती है और सुबह से शाम होता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लोग देखिए गांव का हमारे बाहरी दृश्य, और कमेंट बॉक्स में बताना कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा सामने दिख रहा होगा। आप लोगों को मंदिर, ये शाम भी हो चुकी है, सूरज ढलने वाला है, और ये जो खूबसूरती है तालाब के किनारे, वाह बहुत ही लाजवाब। यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा माहौल। वैसे गांव के बाहरी छोरे पे हम खड़े तो यहाँ पर पूरा मैदान ही मैदान दिखाई देगा आप लोगों को, और दो चार घर बने हैं यहाँ पे वैसे तो, लेकिन ये जो गांव का बाहरी दृश्य हमको बड़ा प्यारा लगता है। और यहीं पर सुबह और यहीं पर हमारा शाम होता है, शाम के टाइम हम आप लोगों को यही मिलेंगे। और यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर हवाएं चलती रहती है हर में। आप सोच रहे होंगे क्यों और कैसे, क्योंकि आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर पीपल के पेड़ एक नहीं चार चार हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में, यहाँ पर एक भी है, ये है और इसके पीछे भी है, आपको भी दिखा, यहाँ पर एक और है। इसलिए यहाँ पर ठंडी ठंडी हवाएं हमेशा चलती रहती हैं। आप एनी टाइम कभी भी आएंगे तो आपको ठंडी ठंडी हवाएं चलती हुई मिलेंगी यहाँ पर। और पूरा इतना ज़बरदस्त हवा चल रहा है, सुहाना मौसम, जो एकदम क्या कहें, कुछ भी, बहुत ही लाजवाब मौसम है। और शाम के टाइम यहाँ पर कुछ अलग ही मज़ा आता है, आप हमेशा ठंडी ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। जब कभी आप हमारे गांव आए तो इस पोखरे के पास आप लोग ज़रूर आए, क्योंकि यहाँ पर पीपल के पेड़ की वजह से इतनी सुंदर और इतनी अच्छी हवाएं चलती है कि आप सोचेंगे कि क्या मज़ा आ गया। अगर मेरा घर काश यहाँ पर होता तो मैं यहीं पर रहता, बहुत अच्छा लगता है हमको। पीछे देख सकते पूरा फील्ड है, क्योंकि ये पूरा गांव का देसी एरिया, यहाँ पर हम मौज करते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि गांव से बेटर है ये जगह। जगह जो है गांव से बहुत ही बेटर, और आगे दिखाते हैं थोड़ा सा फील्ड भी दिखा दें आप लोगों को। चलो वीडियो के लास्ट तक बन रही है, और सोचा कि चलो आज दिखा देते हैं गांव का बाहरी दृश्य, क्योंकि ऐसा नज़ारा हर किसी गांव में नहीं होता है। इतनी खूबसूरती की मिसाल तो मेरा गांव है। यहां पर तो कुछ अलग ही मज़ा आता है। कभी आइए हमारे गांव तो यहां पर ज़रूर नज़ारा ज़बरदस्त, एकदम पूरा नज़ारा ज़बरदस्त से होता है कि पूरा फील्ड है। यहाँ पर इस वक्त तो गेहूँ की कटाई हो चुकी है, इसलिए पूरा शिवन क्या दिख रहा है, पूरा खाली दिख रहा है। वैसे कभी आप आइए तो यहाँ पर ज़रूर आइए। हवाएँ हैं बहुत ठंडी ठंडी हैं, और अगर आप लोग कभी आइए तो यहाँ पर ज़रूर आइए। उम्मीद करते होंगे कि आप लोगों का यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर हाँ अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मस्ती विद रोहित 2.0 को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।